नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले हमने ये फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। देयर इज अ फार्मूला ए प्लस बी होल पावर 3 विच इज ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट इसकी सेकेंड फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, दैट इज ए माइनस बी होल पावर 3। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ए पावर 3 माइनस बी पावर 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दो फार्मूलेज हैं जिनके बेस पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर इज 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन इज वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सो इफ यू विल दिस वैल्यू विच इज यू हैव टू फाइंड, जिसको आपको फाइंड करना है x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3, इट मैच विद दिस a पावर 3 प्लस b पावर 3। तो इससे आपको ये हिंट मिलता है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज किया। अब इसको फार्मूले को यूज करने के लिए देर आर द टू वेज टू यूज इट, वट इज दैट इज आप यही वाला फार्मूला लिखें। इसको इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ताकि फिर आप जिस मर्जी से यूज करना चाहें। आप ये वाला फार्मूला लिखें एंड इस पे वैल्यूज पुट कर। वैल्यूज कैसे पुट करनी है? ए की जगह पे आपके पास x और b की जगह पे आपके पास 1 बाई x। सो पुट इट x की जगह पे, a की जगह पे x प्लस b की जगह पे 1 बाई x होल पावर 3। x की a की जगह पे x पावर 3 प्लस b की जगह पे 1 बाई x होल पावर 3। नेक्स्ट प्लस 3 a विच इज x, b इज 1 बाई x एंड देन वैल्यू ऑफ a इज x प्लस वैल्यू ऑफ b इज 1 बाई x। नेक्स्ट सिंप्लीफाई इट, x प्लस 1 बाई x होल पावर 3, x पावर 3 इज 3। आई हैव टोल्ड यू व्हेन देयर इज होल पावर एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडेड दिस पावर गोज टू ईच टर्म, दैट मीन्स प्लस 1 पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 3 देन प्लस 3 दिस x इज कैंसिल विद दिस x 3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 3 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 1 बाई x। सो ये जो हमने वैल्यूज पुट की ये थोड़ी रिफॉर्म हो गई है। नेक्स्ट एक लाइन और सॉल्व करते हैं। 1 पावर 3 दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 1 डिवाइडेड बाई x पावर 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 1 बाई x। नो पुट वैल्यूज, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो दिस इज x प्लस 1 बाई x, वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई x इज 3, इट इज रिप्लेस बाई 3। नेक्स्ट देर इज x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3, दिस इज यू हैव टू फाइंड, इट विल कम एज इट इज। नेक्स्ट देर इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई x विच इज योर 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3। नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9। नो वी हैव टू फाइंड दिस, वी विल मूव दिस, बट बिफोर दिस मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27 एंड मूव दिस 9 हियर, दिस इज 9, देयर इज x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3। इसको मैं इधर लिखता हूँ, 27 में से 9 को सबट्रैक्ट करें देयर इज 18 इज इक्वल्स टू x पावर 3 प्लस 1 बाई x पावर 3। सो आप इसको स्ट्रेट करके लिख लें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें, ये वैल्यूज पहले इक्वल टू ये वैल्यू ऑन द राइट साइड। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने क्या करना था,
value of x plus 1 by x given, which is 3, and you have to find the value of x power 3 plus 1 by x power 3. अभी अब मैंने ये वाला फार्मूला देखूं तो ये इससे मैच कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये है पावर 3 यहाँ पे भी है, पावर 3 यहाँ पे भी है, और बीच में प्लस है, ये भी प्लस है। सिर्फ एक्सचेंज क्या करना है आपने, a और b की जगह पे आपने x और 1 by x को एक्सचेंज करना है। तो ये फार्मूला लिखा है, इनमें मैंने वैल्यूज पुट की, अकॉर्डिंग टू a इज रिप्लेस बाई x, b इज रिप्लेस बाई 1 by x, एंड ऑल हियर वेयर इज a b इट इज रिप्लेस बाई x बाई 1 by x। आफ्टर पुटिंग दिस देयर इज होल पावर, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास दिस स्टेज बिकम्स x plus 1 by x whole power 3 is equals to this one plus 3 into x plus 1 by x. Now put the values of x plus 1 by x, which is 3 whole power 3, x power 3 plus 1 by x power 3 plus 3, or value of x plus 1 x, which is 3. Simplify it and you will get the result. Next question number is 11. In the question number 11, value of x minus 1 by x is equals to 7, and what you have to do, find the value of x power 3 minus 1 by x power 3. ये उसी तरह का question है जैसे अभी हमने ये use किया है, सिर्फ इसमें change क्या है, इसमें change formula है a power 3 minus b power 3 this is। तो आपने सिर्फ ये करना है, ये वाला formula लिखना है और इसमें values put कर देनी है। जैसे मैंने ये वाला solve किया है तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एंड वी विल सी दैट व्हाट इज द रिजल्ट। सो लेट मी पुट द वैल्यूज फर्स्ट, बिफोर दैट राइट द फार्मूला, वैल्यू ऑफ a माइनस b होल पावर 3 इज इक्वल्स टू a पावर 3 माइनस b पावर 3 माइनस 3ab इनटू a माइनस b। नो पुट द वैल्यूज, x a इज रिप्लेस बाय x एंड b इज रिप्लेस बाय 1 बाय x। तो आप फार्मूले में चेंज कर दिया, होल पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स पावर 3, नेक्स्ट माइनस 3 ए इज रिप्लेस बाई एक्स एंड बी इज रिप्लेस बाई 1 बाई एक्स, नेक्स्ट ए अगेन रिप्लेस बाई एक्स एंड बी इज रिप्लेस बाई 1 बाई एक्स। नेक्स्ट सिंप्लीफाइड, एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल पावर 3, दिस एक्स पावर 3, and I have told you 1 power 3 is 1 and x power 3 is x power 3। मैंने ये पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है माइनस 3, दिस विल बी कैंसिल, 3 वन द 1 एंड देर इज x माइनस 1 बाई x। नो ये फार्मूला बन गया, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट वैल्यूज, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वट इज x माइनस 1 बाई x, इट इज 7 whole power 3, there is x minus 1 by x power 3, this is you have to find, ये आपने find करना है, ये आपके पास as it is रहेगा, next minus 3 and the value of x minus 1 by x which is 7, तो यहाँ पे आपने 7 put कर दिया, 7 power 3 is 7 multiplied by 7 multiplied by 7, there is x power 3 minus 1 by x power 3, माइनस 7 21 के साथ, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज 21। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज योर 7 343 इज इक्वल्स टू x पावर 3 माइनस 1 बाई x पावर 3 माइनस 21। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस वैल्यूज को इधर मूव करेंगे, 343 प्लस 21 ये इधर था, माइनस का था, जब इधर शिफ्ट हुआ है तो इट बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इक्वल टू ये वैल्यू लिखते हैं, x पावर 3 माइनस 1 बाई x पावर 3, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, इसको ऐड करें 314 426 और 3, दैट इज 364 x पावर 3 माइनस 1 बाई x पावर 3। स्वेटिक प्रॉपर्टी यूज करें और इसको ये वैल्यूज पहले इक्वल टू 364 ये वैल्यू बाद में लिख दें, तो ये आपका रिजल्ट बन गया है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में वेरी सिंपल, वैल्यूज गिवन थी, फार्मूला हमने यूज किया और उस पर वैल्यूज पुट की,
सिर्फ ये वाला फार्मूला डिसाइडेड था, ये वाला यूज करेंगे वैल्यूज पुट की, दैट इज ए इज रिप्लेस बाई एक्स एंड बी इज रिप्लेस बाई वन बाई एक्स। जहां जहां पे इस फार्मूले में ए एंड बी लिखा है उसकी जगह पे मैंने एक्स एंड वन एक्स लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये फाइनल फॉर्म बन गई। फाइनल फॉर्म के बाद मेरे पास वैल्यूज गिवन थी एक्स माइनस वन बाई एक्स विच इज सेवन, और इन वैल्यूज को मैंने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आई गेट द रिजल्ट।